वहां पर ध्यान देना, आत्मा एक है, वो एक आत्मा जो मूसा में समाया था उसी में से लेकर उसने 70 लोगों में डिवाइड कर दिया उस आत्मा को। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम खंड 2 के विषय में बातचीत कर रहे हैं और खंड 2 का जो शीर्षक है वो है 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 4 पद के पहले भाग में हमने देखा था एशिया के बारे में और जो है, जो था और जो आने वाला है उसके विषय में हमने सीखा था। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 4 भाग का आज दूसरा भाग है और दूसरे भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। यहाँ लिखा हुआ है दूसरे भाग में, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। जी हाँ, यहाँ पर अब ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है उन 7 आत्माओं की ओर से जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने की बात है कि प्रकाशित वाक्य का की पुस्तक में ये जो पत्र भेजा जा रहा है या प्रकाशित वाक्य की जो बातें बताई जा रही हैं ये किस किस की ओर से आ रहा है। पिछले भाग में हमने पढ़ा है यूहन्ना की ओर से है, और किसकी ओर से था, जो है, जो था और जो आने वाला है उसकी ओर से। अब प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 4 भाग के दूसरे भाग में भी पद कहां से शुरू हो रहा है कि उन 7 आत्माओं की ओर से। उन 7 आत्माओं की ओर से, ये 7 आत्माएं हैं क्या? जब हम आत्माओं की बात करते हैं तो हमारे मसीही लोग, बहुत से लोग जो होते हैं कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि जो 7 आत्माओं की बात हो रही है, जो परमेश्वर की 7 आत्माओं की बात हो रही है, क्या परमेश्वर के 7 रूपों की बात हो रही है या 7 परमेश्वर की बात हो रही है? नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम इन 7 आत्माओं के विषय में सीखें, हम ये सीखें कि परमेश्वर की कितनी आत्माएं हैं या कितनी आत्माओं के विषय में चर्चा हो रही है, या परमेश्वर की बहुत सी आत्माएं हैं। बहुत सी आत्माओं का मतलब बहुत से परमेश्वर के विषय में बातचीत हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तब हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। इफिसियों 4 अध्याय उसका 4 पद है, एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने की एक ही आशा है। देखिए, एक ही देह, वो देह किस, कौन सी, यानी मसीह की जो देह है वो एक ही है, जिसमें हम सब मिलकर बन एक देह बनते हैं, और उस देह की एक ही आत्मा है। लिखा एक ही आत्मा है जो परमेश्वर का वचन कहता है। और यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 24 पद को जरा ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इससे पहले कि मैं इस पद को एक्सप्लेन करूं, एक पद और देख लेते हैं, इफिसियों 4 अध्याय उसका 6 पद, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। अब यहां लिखा है कि सबका एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर, और यह बात सही भी है कि परमेश्वर एक है, इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। जब परमेश्वर आत्मा है तो मतलब वो एक ही आत्मा है, वो कई अलग अलग जो है वो आत्माएं नहीं है। फिर परमेश्वर का वचन इतनी आत्माओं के विषय में कैसे बात कर रहा है, कैसे परमेश्वर की इतनी आत्माओं की, यानी 7 आत्माएं हैं, वो क्या 7 आत्माएं हैं? इन आत्माओं के विषय में जरा सीखेंगे कि कैसे इतनी आत्माओं का वर्णन जो है बाइबल के अंदर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 17 पद। जी हाँ, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 17 पद, ध्यान दीजिएगा यहां पर। तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है, ध्यान दीजिएगा, जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। यहां पर परमेश्वर जो बात कर रहा है मूसा से बात कर रहा है। जी हां, मूसा के अंदर जो आत्मा थी, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसके अंदर से, जो तेरे अंदर आत्मा है उसमें से लेकर मैं उन लोगों में, यानी दूसरे लोगों में भी समाऊंगा, और वो भी तेरे साथ जो कार्य परमेश्वर ने उसको सौंपा था वो करेंगे। अब वो कार्य क्या सौंपा था परमेश्वर ने, वो कार्य जो सौंपा था उसको, यानी जो पवित्र स्थान है, जो स्वर्ग के अंदर है, उसका नमूना परमेश्वर ने मूसा को दिया था कि जो स्वर्ग में पवित्र स्थान है उस, और जितनी चीजें उस पवित्र स्थान में, उन सबका नमूना मूसा को दिखाया था और कहा था इस नमूने के अनुसार इन सारी चीजों को बनाना।
अब इतना बड़ा भार था, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, आंगन, वेदी और उनका उसके अंदर के सारे सामान जो थे वो बनाना था। अब इसको बनाने के लिए बहुत समय, बहुत चीजों की आवश्यकता थी और अकेले मूसा के बस की बात नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने वो आत्मा तो मूसा को दी, मूसा को दिखाया, समझाया। मूसा ने, परमेश्वर ने जो आत्मा दी थी उस आत्मा के द्वारा पूरा पवित्र स्थान का नक्शा उसने और उन चीजों का वर्णन सब कुछ समझ लिया था, परंतु वो अकेले नहीं कर सकता था। अब इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि जो आत्मा तुझ में है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा था गिनती 11 का 17वां पद, अब हम पढ़ रहे हैं गिनती 11 का 25 पद। यहां लिखा, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरानियों में समा दिया और जब वे आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। अब यहां ध्यान दीजिएगा एक बात, यहां पर दो बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। यानी जो आत्मा मूसा के अंदर थी उसमें से लेकर परमेश्वर ने क्या करा, उन 70 पुरानियों में, उन 70 लोगों में समा दिया, जो 70 लोग थे जो मूसा के साथ पवित्र स्थान बनाने का, पवित्र चीजों को बनाने का काम करने वाले थे या कार्य में लगे हुए थे। अब यहां पर ध्यान देना, आत्मा एक है, वो एक आत्मा जो मूसा में समाया था उसी में से लेकर उसने 70 लोगों में डिवाइड कर दिया उस आत्मा को। जी हाँ, उस उन आत्माओं को डिवाइड कर दिया। अब आत्मा कितने लोगों में हो गई, मूसा एक और 70 वो, यानी 71 लोगों में आत्मा का वास हो गया, यानी पवित्र। अब ये बहुत से परमेश्वर नहीं हो गए, बहुत से परमेश्वर की आत्मा, आत्मा एक ही है, मगर वो परमेश्वर जो है अपने आप को डिवाइड करता है, उन आत्मा को डिवाइड करके उनके अंदर रखा, उनके अंदर बांटा और वो कार्य जो थे वो करने लगे जिसको जो कार्य दिया गया है, परमेश्वर का वचन कहता है। मगर यहां पर लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनके अंदर तो आत्मा थी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक ही बार नबूवत करी और उसके बाद उन्होंने कभी नबूवत नहीं करी। देखिए यहां पर जो है, इस बात को मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि बहुत से लोग कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। जब आप किसी को बोलने जाएंगे, बताने जाएंगे तो वो सात आत्माओं के विषय में और कि उन्होंने नबूवत फिर क्यों नहीं करी, नबूवत क्यों नहीं करी, क्योंकि उनको जो आत्मा दी गई थी उनको नबूवत करने के लिए, यानी भविष्यवाणी करने के लिए नहीं दी गई थी, बल्कि परमेश्वर के उस महापवित्र स्थान को, पवित्र स्थान को, आंगन को और उनके सारे सामान को बनाने के लिए वो आत्मा दी गई थी। उन आत्माओं से उनको भरा गया था और परमेश्वर ने उनको, उनके ऊपर वो आत्मा उंडेला था ताकि वो उस कार्य को, उस आत्मा के द्वारा जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, उन स्वर्गीय वस्तु को बिल्कुल वैसे ही बना सके। क्योंकि देखिए, हमने स्वर्ग नहीं देखा, अगर हमें स्वर्ग की किसी भी वस्तु का वर्णन करना है तो हमें पवित्र आत्मा में, यानी परमेश्वर की आत्मा में होना है, जो परमेश्वर के स्वर्ग में हमेशा विराजमान रहता है। वो हमें दिखाता है, वो हमें बताता है कि स्वर्ग की वस्तु किस तरीके की है और किस तरीके से उसको बनाया जा सकता है, देखा जा सकता है या उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम आत्मा में नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं कर सकते। ये था मूसा के समय की बात। अब हम आते हैं नए नियम में। हम नए नियम में जब हम प्रेरितों के काम 2:1-4 पद तक देखेंगे तो उसके अंदर क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रेरितों के काम 2:1-4 पद को जब पढ़ेंगे आप समझ गए होंगे कि मैं कहां क्या कहने जा रहा हूं। कि पेंतिकॉस्ट के दिन लिखा है कि उनके सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। अब वो सब कौन थे, जब प्रेरितों के काम 1:15 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वो लगभग 120 लोग इकट्ठा थे। ध्यान दीजिएगा, 120 लोग इकट्ठा थे और पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा का मतलब एक ही आत्मा, वहां पर पवित्र आत्माओं को नहीं लिखा हुआ है कि उनके ऊपर आत्माएं उतरी या आत्माएं, बहुत ढेर सी आत्माएं उतरी, वहां लिखा पवित्र आत्मा उतरा। मगर पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तो वो पवित्र आत्मा डिवाइड हो गया, बढ़ गया, किस रूप में, आग की जीभ के रूप में, और हर एक के ऊपर आग की जीभ जो थी वो ठहर गई और लोगों को दिखाई दिया, हाँ ये आग की जीभ है, जो वहां 120 लोग बैठे थे और वो आत्मा आग के रूप में उनके अंदर समा गया। परमेश्वर का वचन ये कहता है और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है परमेश्वर खुद एक आग है और वो जो है परमेश्वर जो है बहुत पवित्र आग है और बहुत कुछ परमेश्वर की उस आग के बारे में कहा गया है। परंतु हम बात कर रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा, एक आत्मा जो था सब में भर गया और सब में बट गया। यहाँ पर जब हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 12:4 उसका 4 पद तो लिखा, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। देखिए
एक पवित्र आत्मा है। अब वरदान क्या है? वरदान कई प्रकार के, मुझे भविष्यवाणी का है, आपको वचन सुनाने का है, किसी को उपकार करने का है, किसी को गवाही देने का है, किसी को कुछ वरदान है, मगर वो वरदान जो है वो सब एक ही आत्मा करता है। अब एक आत्मा सबको मिला है, मगर उस आत्मा का जो कार्य है, जो रूप है, जो सामर्थ्य के काम है, वो अलग अलग प्रकट हो रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सी आत्माएं हो गई हैं, पवित्र आत्मा जो है वो एक है, क्योंकि हम सात आत्माओं को समझे, जब तक हम सात आत्माओं को परमेश्वर के आत्मा को नहीं समझेंगे तब तक हम उन सात आत्माओं को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 13वें पद में लिखा है, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। जी हाँ, एक देह होने के लिए, हम मसीह की देह होने के लिए हमें एक आत्मा में बपतिस्मा लिया है और हमें यहाँ लिखा आत्मा पिलाया गया। जी हाँ, आत्मा पिलाया जाने का मतलब क्या है? आत्मा हमारे ऊपर, हमारे अंदर उंडेला गया। आप जब योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अंत के दिनों में सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। वहां उंडेलने का है, यहां पिलाए जाने का मतलब जो है, जो पौलुस इस बात का वर्णन करता है कि पिलाया गया यानी उंडेला गया हमारे अंदर समाया गया हमारे अंदर, परमेश्वर का आत्मा जो है वो इस बात की का वर्णन करता है। अब हमें ये समझना है, अब आपने समझा कि ये आत्मा एक है और आत्मा किस तरीके से अपने आप को या परमेश्वर अपने आत्मा को किस तरीके से डिवाइड करता है और हर एक मनुष्य में जो है वो आत्मा समा देता है जिसको चाहिए होता है या जो तैयार होता है या जो पवित्र होता है या जो परमेश्वर के कार्य करने के लिए इच्छुक होता है उसके अंदर, हर एक के अंदर नहीं है। अब यहाँ जो है, यहाँ बात करेंगे कि सात आत्माएं जो हैं वो क्या हैं। प्रकाशित वाक्य 1:4 में, और उन सात आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। ये सात आत्माएं क्या हैं? प्रकाशित वाक्य 4:5 पद पढ़ेंगे अब हम, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के सात दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की सात आत्माएं हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ये सात दीपक जो हैं ये क्या हैं? ये परमेश्वर की सात आत्माएं हैं। या जब हमने वहां पढ़ा सात आत्माएं क्या हैं, ये सात दीपक हैं। अब लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, सात दीपक हैं, सात आत्मा हैं। जब हम जकरिया की पुस्तक को पढ़ेंगे वहां लिखा है कि वो सात आंखें हैं, वो परमेश्वर की सात आत्मा हैं। अभी देखेंगे इसके बारे में, आगे देखेंगे, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, निर्गमन 25:37, निर्गमन 27:20-21, निर्गमन 35:14, निर्गमन 37:27, निर्गमन 39:37, निर्गमन 40:4-24, लय व्यवस्था 24:4, गिनती 8 और उसका 2-3 पद, इन जब पदों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का जो पवित्र स्थान जब मूसा ने बनाया तो उसके साथ में उसने दीपकों की भी रचना करी। परमेश्वर ने सात दीपक जो थे वो बनवाए और वो सात दीपक जो थे वो उस पवित्र स्थान में रखे रहते थे और हमेशा रखे रहते थे। और जैसे मैंने बताया कि हारून और मूसा जो थे ये याजक का काम करते थे, हारून जो था महायाजक था, और इनकी ड्यूटी थी कि प्रत्येक दिन शाम संध्या के समय खास तौर से वो दीपक को जलाएं और रात भर दीपक जो थे वो जलते रहना चाहिए थे, बुझने नहीं चाहिए थे, और इनकी ये ड्यूटी थी यानी पवित्र स्थान के अंदर थे। जब वो उस मंदिर को सुलेमान ने बनाया तो उस पवित्र स्थान में ये सात दीपक रखे गए थे। जब हेरोदेश राजा के द्वारा भी परमेश्वर का मंदिर बनाया गया तब भी ये सात दीपक जो थे वहां रखे रहते थे, यानी ये सात दीपक जो थे परमेश्वर के पवित्र स्थान में, इसलिए कहते हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो जलते रहते थे। ये उसी चीज को जो है वो दर्शाता है जो पवित्र स्थान में दीपक रखे रहते हैं। और इसलिए हर एक चर्च के अंदर जो है कम से कम लाइट जो है वो 24 घंटे जलती रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे चर्च में हमेशा 24 घंटे लाइट जलती रहती है। यहाँ लिखा है सात आत्माओं के विषय में जकरिया की भविष्यवाणी बिल्कुल अद्भुत है। वो क्या कहता है? जकरिया 3 अध्याय उसका 9 पद जब हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है, उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर सात आंखें बनी हैं, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूं और उस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। अब यहां लिखा हुआ है ये पत्थर क्या है, है? जिस पे सात आंखें बनी हुई है और ऐसी क्या चीज उस पत्थर पे खोदी गई है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी क्या चीज खोदी गई है कि एक ही दिन में जो है सबका अधर्म दूर हो गया।
ये पत्थर किसको दर्शाता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं कि ये पत्थर जो है किसको दर्शाया जा रहा है। जब हम भजन संहिता 118 का 22 पद पढ़ेंगे, यहां क्या लिखा है कि राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। और मती 21 और उसके 42 पद में भी प्रभु यीशु मसीह यही बात कहता है कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वो क्या हो गया, वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कोने के सिरे का पत्थर जो था किसको दर्शाया गया, प्रभु यीशु मसीह को। यहां पर जो बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है, जकरिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है। जब आप मती 16 अध्याय उसका 18वां पद पढ़ेंगे तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जो है पतरस की बात कर रहा है, पतरस के ऊपर। देखिए, किसी मनुष्य के ऊपर कलीसिया नहीं बनी है, बल्कि इस पत्थर का मतलब क्या है, वो प्रकाशन, वो भेद जो प्रभु ने खोला, यानी वो पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया था, अर्थात यीशु मसीह, उस पत्थर पर वो कलीसिया बनी है। और जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को कि हमारी चट्टान जो है, जब आप पहला कुरंथियों 10 का 2 पद पढ़ेंगे कि हमारी चट्टान जो है वो प्रभु यीशु मसीह, उसका 4 पद आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा है कि हमारी चट्टान जो है प्रभु यीशु मसीह। दोनों पद पढ़ लीजिएगा, 2 भी और 4 भी, क्योंकि दोनों में बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है इस बात को। तो वो पत्थर क्या है, वो चट्टान क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और उस पत्थर पर 7 आंखें हैं। अब खोद कर क्या लिखा गया, खोद कर क्या लिखा गया, यानी प्रभु यीशु मसीह को, यहां खोदने का मतलब है मार डालना जाना, यानी उस पत्थर को खोदा गया, टुकड़े करे गए, तोड़ा गया, यानी यीशु मसीह को हमारे लिए तोड़ा गया, मारा गया, और हम सबके अधर्मों का भार जो था उसके ऊपर लाद दिया गया। और एक ही दिन में, जब यीशु मसीह जिस दिन मरा उसी दिन सबका, जिस दिन यीशु मसीह का लहू बहाया गया, जिस दिन वो मरा, जिस दिन वो गाड़ा गया, हम सबका अधर्म जो था वो दूर कर दिया परमेश्वर ने। और जब वो जिलाया गया तो सब उसी में जीवित हो गए और प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गए। जैसा पहला कुरिन्थियों 5:17 में लिखा ना, जितने मसीह में है वो सब एक नई सृष्टि। अब हम लोग नई सृष्टि के लोग हैं, मगर वो पत्थर है जिसपे 7 आंखें बनी, यानी 7 आत्मा। 7 आत्माओं का मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में वो आंखें गुदी हुई नहीं है कि 7 आंखें बनी हुई है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो 7 आत्माएं जो हैं वो उसके अंडर में काम करती हैं, वो उसके अधिकार में है, वो उनके ऊपर प्रभुता करता है, उन 7 आत्माओं के ऊपर, और जिसको वो चाहता है, जहां चाहता है वो उसको वहां भेज देता है। जी हाँ, अब हम इस बात को जो है प्रकाशित वाक्य 5:6 पद में बिल्कुल क्लियर दिया है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्मा है जो सारी पृथ्वी पर भेजी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, अब एक वध किया हुआ मेमना, बात वही आ गई ना, जो जकरिया 3 अध्याय उसके 9 पद में जो भविष्यवाणी कर रहा, वो भविष्यवाणी यहां पूरी हो रही है कि वो दिखाया जा रहा प्रकाशित वाक्य में कि वो जकरिया जो है उस मेमने की बात कर रहा है जो वध किया गया, जो खोदा गया, जो तोड़ा गया, उस मेमने की बात कर रहा है, और जिसपे 7 आत्माएं हैं, जिसके अंडर में 7 आत्माएं हैं, 7 आंखें जो है, 7 और वो पृथ्वी पर भेजी जाती हैं। पृथ्वी पर क्यों भेजी जाती हैं, किस लिए भेजी जाती हैं, ये देखेंगे, मगर इससे पहले मैं जकरिया 4:10 पद पढ़ाना चाहूंगा। यहां लिखा है क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहूल को जरुवेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। जी हाँ, यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 7 आंखों के द्वारा सारी पृथ्वी पर दृष्टि करेगा। साहूल का मतलब होता है एक दीवार को सीधी नापने वाला एक यंत्र होता है जो डोरी से बंधा होता है, और नीचे जो होता है उसके लट्टू टाइप का लोहे का वो होता है, एक भार होता है जिससे जब मिस्त्री लोग दीवार बनाते हैं तो वो नापते हैं। जरुबेल जो है बाबुल में एक अजनबी या भ्रम की स्थिति को प्लांट किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है, परंतु जरुबेल की आत्मा को यहाँ कोई जो है जरुबेल के बारे में बताया गया कि जब उनके हाथ में देखेगा तो परमेश्वर कह रहा आनंदित होगा। और ये जो 7 आत्माएं जो पृथ्वी पर भेजी जाती हैं, इनका क्या कार्य है, ये क्या कार्य करती हैं, इनका किस रूप में ये प्रकट होती हैं, इन 7 आत्माओं को कैसे ये मनुष्यों को देखती और संचालित करती हैं, इस दुनिया को संचालित करती है कैसे, ये हम देखेंगे अगले भाग में।
ध्यान दीजिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के उन भेदों को जान रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से खोले गए हैं और सात आत्माओं के विषय में अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे और आपको शांति दे। आमीन।